उसी के साथ बहुत ज़्यादा विकेट ली और बहुत आपने नाम कमाया और आपने बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस दी है जो एक रिकॉर्ड भी है, तो आप क्या समझते हैं आपके मुस्तकबल के अचीवमेंट्स क्या होंगी, आप क्या समझते हैं? जैसा कि मैंने लास्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज डाला इंग्लैंड में और उसके बाद मैं काउंटी क्रिकेट खेला तो उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और मेरा यही एम था कि मैं जो भी कंडीशन मिले मेरी नेक्स्ट सीरीज यूएई में आ रही है तो मैंने उसमें भी अच्छा करना है और उसके लिए काफ़ी मेहनत की काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि काउंटी क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है कि जिसमें आपको एक अगर आप 4 डे मैच खेल रहे हैं और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट डे रेस्ट का मौका नहीं मिलता, आपने ट्रैवल करना है, आपने देखना है अपनी बॉडी को कैसे रेस्ट देना है, आपने अपनी डाइट कैसे प्लान करनी है, तो सारा उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है, वही मैंने कंटिन्यू की और उसका रिजल्ट आ गया। आपके खिलाड़ी हैं जो आपके साथी हैं जो आपके जेटी के मजीद टैलेंट जेटी के में बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो उस सिलसिले में भी आप कुछ करेंगे? जी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे इलाके से कोई भी नहीं टेस्ट प्लेयर, कोई नहीं, मैं पहला टेस्ट प्लेयर हूँ अपनी तहसील संभ्याल का जिस पर मुझे फ़ख्र है और मेरे कुछ यंग लड़के मुझे वेलकम करने भी आए हैं, उनका भी थैंक यू करता हूँ और मैं 24 आवर उनके लिए हाज़िर हूँ, कहीं भी किसी भी जगह पे उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इंशाल्लाह। अच्छा अब्बास भाई ये बताइए कि आप डिसार्ट होकर दूरों ने मुल्क भी चले गए थे मेहनत मजदूरी करने के लिए, तो क्या दिल में आया आपको वापस आने का, क्या आपने सोचा? मैं डिसार्ड हो के बैरून मुल्क नहीं गया था, जब इधर डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म हो जाती थी तब मैं ओमान जाता था खेलने के लिए, तो 2-3 जगह से मुझे आई थी अपॉर्चुनिटीज़ लेकिन मैंने उसको साइड पे किया और मैंने फोकस किया अपनी क्रिकेट पे ही, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मिला। अच्छा अभी आप आए हैं, दोबारा आपने वापस जाना है, बड़ा एक जो है लोगों के अंदर एक बड़ी एक पाई जा रही है कि अब मोहम्मद अब्बास ने अपने माजी में जिस तरह मेहनत मजदूरी की, कचहरी में भी आपने काम किया, आपने वेल्डिंग का काम भी किया, ये बड़ी फ़ख्र की बात है, क्या आप अपने माजी को अपने सामने रख के क्या महसूस करते हैं? मैं तो कोई भी इंटरव्यू होता है हालांकि कुछ लोग छुपाते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, फ़ख्र करता हूँ कि मैंने जितनी मेहनत की और मेरे बुज़ुर्गों की, मेरी फैमिली की, मेरे दोस्तों की, मेरे गांव वालों की सबकी दुआएं हैं और सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मैं कभी भी इस चीज़ को बयान करते हुए नहीं झिझकता कि मैंने वेल्डिंग का काम किया या चमड़े की फैक्ट्री में काम किया या कचहरी में काम किया, तो इससे मुझे मैच्योरनेस और ज़्यादा मिली है, मैं और ज़्यादा पेशेंस के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ और उसमें परफॉर्म कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा आपने रिकॉर्ड कायम किया है टेस्ट मैच में, तो अभी आप फ्यूचर में आपके क्या प्लान है इस वाले से? फ्यूचर में ये जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे जैसे बंदा परफॉर्म करता है टीम की तवक्कात और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो यही है कि उससे ज़्यादा मेहनत करूँगा और ऐसा ही परफॉर्मेंस इससे बढ़ के इंशाल्लाह परफॉर्म करूँगा इंशाल्लाह जी। आपने अपनी कामयाबी अपनी बेटी को डेडिकेट की थी, आप अपनी बेटी से मिले अभी, वेलकम करने आई आपको आपकी बेटी 2 साल की है छोटी सी? हाँ नहीं, वो अभी सोई हुई है घर में, इंशाल्लाह मैं जाके मिलूँ। अच्छा उसकी बर्थडे थी कल, तो क्या आपने किया था? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, जब मैंने अपना मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज पे कर सकता हूँ तो कैसे नहीं कर सकता, बिल्कुल किया था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंस्ट्रक्शन कार्ड नंबर।